इटली के 2023 वाले सीजनल और नॉन सीजनल पेपर ओपन हो चुके हैं, दिसंबर में फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो क्या करें, डिस्कस करेंगे इसके बारे में आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत LLB। इटली के पेपर्स की अपडेट आते ही बहुत से व्यूज के सवाल, उनकी क्वेरीज आने लग गई थी कि सर मेरे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, तो इसकी वजह से सुना है कि बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं वीजा होने में। तो इसका सलूशन क्या है, आपको बता दें कि पासपोर्ट में स्पेशली एक कॉलम होता है जिसमें जिसे पासपोर्ट अप्लाई करते टाइम उसमें सरनेम का एक कॉलम होता है जिसे फिल करना होता है, बट बहुत से एप्लीकेंट्स को नॉलेज नहीं होती है और वो ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हैं, स्पेशली इटली पेपर्स के लिए। ठीक है ना, जब सीजनल या नॉन सीजनल पेपर फिल कर रहे हैं उस टाइम पे जो है सरनेम मेंशन करना होता है। तो अगर आपके पासपोर्ट में, ठीक है ना, सरनेम नहीं है, सरनेम का कॉलम खाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल राजवीर सिंह है, एक साथ लिखा हुआ है राजवीर सिंह और सरनेम के कॉलम में कुछ नहीं है, तो जो सरनेम का कॉलम होता है पेपर फिल करते टाइम उसे आप कन्यूमे बोला जाता है, तो कन्यूमे फॉर्म में भी अपना जो है अपना सरनेम जो है वो सिंह ही फिल कर सकते हैं। अगर तो आपके पासपोर्ट पे सिर्फ सिंगल नेम ही है, पीछे कोई कुमार कोई सिंह कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इश्यू आने वाला है। अगर सरनेम नहीं है लेकिन आपके नाम के साथ कुछ भी लगा हुआ है तो आप जो लास्ट वाला जो होगा उसको आप एज ए सरनेम जो है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन जो कन्यूमे का जो कॉलम होता है, जो सरनेम का कॉलम होता है ना, उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसको खाली छोड़ देते हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, पेपर निकलने पे भी इसके ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है। बाकी अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं या रीइश्यू करवा रहे हैं तो सरनेम में अपना उपनाम जिसे पंजाबी में गोत या गोत्र कहते हैं उसे जरूर मेंशन करें। इससे फ्यूचर में आपने अपनी फैमिली को इनवाइट करना है या इंग्लिश कंट्रीज के लिए अप्लाई करना है तो आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला होता है। बाकी पासपोर्ट पे सरनेम ना हो तो चल जाता है, बट जो नेम जो होता है वो सिंगल नहीं होना चाहिए, नेम के साथ कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। बाकी जो लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि सरनेम ना होने से वीजा नहीं होगा, वो गलत है। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें, ठीक है ना, उनके नाम के पीछे जो उनका कुछ सिंह या कुमार जो भी लगता है उसी कन्यूमे में हमने फिल किया है तो उनका डेफिनेटली उनका नलौसा भी इशू हुआ है, उसके बाद वीजा भी उनको ग्रांट हुआ है। तो सो ऐसी अफवाहों से आप बच के रहिए। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप सरनेम कॉलम जो है वो खाली ना छोड़ें। सो डियर, आपको क्लियर हो गया होगा कि पासपोर्ट में सरनेम ना होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका सलूशन क्या है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।